मध्य प्रदेश पंचायत ग्रामीण विकास विभाग के संयुक्त मोर्चा की हड़ताल 12 दिनों से लगातार जारी है। संगठन द्वारा वेतन विसंगतियों को दूर करने सहित कई तरह की मांगे की जा रही है, जिसमें संयुक्त मोर्चा के 17 घटक संगठनों के अधिकारी और कर्मचारी मिल अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। सोमवार को मंदसौर के जनपद पंचायत में संगठन के कार्यकर्ताओं ने काले कपड़े पहनकर सरकार के खिलाफ मटका फोड़ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान संगठन के कार्यकर्ताओं ने जमकर राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और सरकार से उनकी मांगों को जल्द मानने की मांग की है। इस दौरान संयुक्त मोर्चा के संयोजक ने बताया कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के कर्मचारी शासन तंत्र की रीढ़ की हड्डी है। विभाग के कर्मचारी ही सरकार की सभी योजनाओं को धरातल पर उतारते हैं। संगठन के पदाधिकारी ने चेतावनी दी है कि अगर हमारी मांगे जल्द पूरी नहीं होती है तो हमारा संगठन भोपाल की सड़कों पर उग्र आंदोलन करेगा। संयुक्त मोर्चे के आह्वान पर 313 जनपद पंचायत और 52 जिला पंचायतों पर हमारा धरना आंदोलन अनवरत जारी है। हमारे 17 संगठनों की संयुक्त मांगे हैं जो अनार्थिक रूप से है और उस पर शासन का कोई भार नहीं आएगा। 17 संगठनों का एक संयुक्त ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रशासन के माध्यम से, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से भेजा गया, परंतु आज तक उन मांगों पर कोई विचार नहीं किया जाने के कारण आज मंदसौर में विरोध स्वरूप मटका फोड़ कार्यक्रम रखा गया। हमारी मांगों में ग्राम पंचायत के रोजगार सहायक, ग्राम पंचायत के सचिव, जिला पंचायत, जनपद पंचायत के कर्मचारी, 19 और 20 को हमने सामूहिक अवकाश लेकर शासन को सचेत किया गया था कि अगर हमारी मांगे पूर्ण नहीं की गई तो हम 22 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। चाहे जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत, पूरा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग जो त्रिस्तरीय पंचायती राज है, वो सारा विभाग बंद पड़ा हुआ है। कई ग्रामीण इस हड़ताल से प्रभावित हो रहे हैं, कामकाज पूर्णतः बंद पड़ा हुआ है, ग्राम पंचायतों पर ताले लगे हुए हैं। कब तक जारी रहेगी ये हमारी हड़ताल? जब तक शासन हमारी मांगों को स्वीकार नहीं करती है तब तक ये आंदोलन हमारा अनवरत चलता रहेगा। कैनन न्यूज़ के लिए मंदसौर से शुभम चौहान की रिपोर्ट।